बच्चों, प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे वाले पार्ट को देखिए। निम्न सम आपका है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें विलोपन विधि का प्रयोग करना है। देखिए क्या दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। फुल स्टॉप हो गया बेटा। फुल स्टॉप का मतलब यहाँ रुकिए। फिर इसके बाद कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, फिर यहाँ कामा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? नूरी और सोनू की आयु कितनी है, माने वर्तमान आयु की बात हो रही कि वर्तमान आयु कितनी है। तो बेटा मान लेंगे, माना नूरी की आयु एक्स वर्ष, माना नूरी की आयु माने वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष और सोनू की आयु कितना वाई वर्ष है। ठीक बेटा, हमने मान लिया कि नूरी की आयु एक्स वर्ष है और सोनू की आयु वाई वर्ष है। तो देखिए पहला शर्त कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो अब हम क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु निकालें और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु निकालें। दोनों भाई, दोनों को निकालना है, निकालना होगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी कितने वर्ष का की रही होगी, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो पूर्व माने पहले बेटा, तो पहले 5 वर्ष कम रहा होगा। इस समय जब यक्ष वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले, यानी यक्ष -5 वर्ष। ठीक, अब 5 वर्ष पूर्व अब किसका देखें, सोनू की आयु कितनी रही होगी। सोनू की आयु तो बेटा यह होगा वाई, सोनू इस समय वाई वर्ष का है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष कम का रहा होगा, वाई -5 वर्ष। तो हम यहां पहुंचे 5 वर्ष पूर्व, नूरी की आयु निकाल लिए और सोनू की आयु निकाल लिए। अब क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी। ठीक बेटा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु एक्स माइनस फाइव आया है, बराबर सोनू की आयु आया वाई माइनस फाइव का माने बेटा हो गया गुणा 3। नूरी की आयु सोनी का 3 गुना, सोनी की आयु में 3 गुना का गुणा, 3 का गुणा किए तो नूरी की आयु के बराबर हो गया। ठीक, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व एक्स माइनस वाई एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस फाइव, सोने की आयु थी वाई माइनस फाइव। अब नूरी की आयु बराबर सोने की आयु का 3 गुना, तो सोनू की आयु गुणे 3, तो इस तरह से हो गया एक्स माइनस फाइव बराबर 3 का गुणा कर दो बेटा 3y-3 = 15। 3y को हम बाएं तरफ भेज दें और इस 5 को दाहिने तरफ, तो एक्स 3y जब बाएं आएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस x-3y बराबर -15। देखो यहाँ पहले से मौजूद है, ऋण 5 दाहिने तरफ जाएगा +5। तो इस तरह से बटा हुआ x-3y बराबर -10, -15 धन 5, ऋण ज़्यादा है तो ऋण आएगा, 15 में से 5 निकल जाएगा, -10। समीकरण 1। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया।
अब करा 10 वर्ष पश्चात, दूसरा शर्त है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद, तो क्या करें 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात हम देखें किसकी आयुष, नूरी की देखें, नूरी की आयु बराबर एक्स प्लस 10, 10 वर्ष बाद जो है 10 वर्ष ज्यादा हो जाएगा उसकी उम्र है, तो एक्स में 10 जोड़ दिए, एक्स प्लस 10 वर्ष, फिर 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, तो ये बेटा हो जाएगा वाई प्लस 10 वर्ष। अब क्या कराएगी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी, यानी नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की दोगुनी। ठीक, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात आया एक्स प्लस 10, सोनू का आया वाई प्लस 10, यहाँ बेटा का माने या की माने गुणा हो गया, कितना का, दो गुना, दो का गुना हो गया, दो का गुणा हो गया, तो देखो दो का गुणा कर दीजिए, एक्स प्लस 10 बराबर 2y प्लस दो का गुणा करेंगे 20। 2y को बाएं तरफ भेज दीजिए, एक्स माइनस 2y बराबर 20, ये 10 को दाएं तरफ भेजा माइनस 10, एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 10 बेटा, ये समीकरण 2 हुआ। ठीक, अब हमें विलोपन विधि का प्रयोग करना है, तो इसी के नीचे देखो समीकरण 1 को लिख दे रहा हूं, एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये समीकरण 1 है, चाहे 1 को ऊपर लिखो चाहे 2 को लिखो कोई फर्क नहीं है। एक्स के गुणांक को देखो तो यहाँ 1 है, यहाँ भी एक्स का गुणांक 1 बराबर है, तो यहाँ हमें कुछ करना नहीं है, हम सीधे देखो यहाँ प्लस प्लस तो घटाने का प्रयोग कर दें, किसका, घटाने पर, समान चिन्ह रहने पर घटाने का प्रयोग कर देते हैं, तो प्लस है तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस जब भी कटेगा प्लस माइनस, अच्छा घटाने में चिन्ह बदलेगा, ये प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, एक्स एक्स कट गया। देखो बेटा प्लस 3y ऋण 2y, तो 3y में से 2y निकाल लोगे, वाई बराबर 10 धन 10, 10 10 20, y बराबर कितना आ गया, y बराबर 20 आ गया। अब क्या करें, y का मान रख दें समीकरण 1 में चाहे 2 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दें, तो 1 क्या था, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो एक्स माइनस 3 गुणे y की जगह 20 बराबर माइनस 10, यानी एक्स माइनस 20 यानी 60 बराबर माइनस 10, तो एक्स बराबर माइनस 10, ये माइनस था दाएं तरफ जाएगा, माइनस 60 था दाएं तरफ गया प्लस 60, यानी एक्स बराबर 60 में से बेटा 10 निकल जाएगा 50। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आया, बता रहा हूं इसको, आंसर क्या आया, आंसर आया नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर एक्स वर्ष था, एक्स वर्ष यानी 50 वर्ष, सोनू की आयु क्या माने थे, वाई वर्ष माने थे, वाई का मान कितना आया, वाई का मान 20 वर्ष, y का मान 20, तो 20 वर्ष। उत्तर की जांच कर लो, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व या 50 में से 5 निकालोगे तो 45 का होगा, या 5 वर्ष पूर्व 20 में से 5 निकालोगे 15 का होगा, तो बताओ यह 45 यानी नूरी की आय सोनू को 3 गुना हुई कि नहीं, यानी सोनू का तिगुना 15 का तिगुना 45 नूरी के बराबर हो जाएगा, बोलो सोनू की आयु का तिगुना करोगे तो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा, उत्तर हमारा सही है। ठीक।
ठीक हो जाए, धन्यवाद।